जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। आज की खास मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं मेरिट की जानी मानी और बहुत पुरानी ब्यूटिशियन हैं, जिनका ब्यूटी पार्लर है, इंदू जी। इंदू जी से बात करेंगे आज बहुत सारी ब्यूटी को लेकर। इंदू जी, स्वागत है आपका चैनल पर, एमटीवी लाइव पर। कितने वक्त से आप इस प्रोफेशन में हैं? मैं 25 सालों से कर रही हूँ काम इसमें, और 25 सालों से अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ, और काफ़ी प्रोग्रेस भी करी है मैंने इस पार्लर में। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग प्रोफेशनली ली है इसकी कहीं पे? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने दिल्ली से ली है, मुंबई से ली है ट्रेनिंग, वहीं से। कौन, किस से टीचर ट्रेनिंग ली आपने? मैंने शहनाज हुसैन से सीखा है, कटिंग जावेद हबीब से सीखी है, और मेकओवर सारे मुंबई से मैंने सीखा है। बिल्कुल, एक कमर्शियल तरह से जो सिखाते हैं। अच्छा, अब इंदू जी, बात यह है कि आजकल जो ट्रेंड बढ़ गया ब्यूटी पार्लर्स का, वो हर गली के अंदर ब्यूटी पार्लर है, हर गली के अंदर एक दो ब्यूटी पार्लर मिल जाते हैं, तो इससे क्या इंदू आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है? देखिए, मैंने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, बाकी की नहीं है पता, लेकिन स्किन डिजीज़ अगर होती है तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए जो भी वर्क कराई है प्रोफेशनल लोगों से करवाई है, क्योंकि हम लोग स्किन ट्रीटमेंट देते हैं, फेशियल भी देंगे तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही देते हैं हम लोग, तो ये है हमारे लोगों में फ़र्क। अच्छा, समा है सुहाना सुहाना, नम जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स, जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू। मैं हूं नवेद खान। मैं हूं सादिक खान। आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव, हर खबर आप तक। बात चाहे राजनीति की हो, क्राइम की, या फिर आपके क्षेत्र के इवेंट्स की, मैं आपको सब दिखाऊंगा एमटीवी लाइव पर, हर खबर आप तक। बहुत जल्द आ रहा हूं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपके क्या क्या मतलब, क्योंकि आपका पार्लर है तो आप क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं देती हैं? मैं यहाँ पे स्किन, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ, उनकी। तो स्किन ट्रीटमेंट और एज ए ब्यूटिशियन मेकअप्स देती हूँ, हर तरह का मेकअप है मेरे पास, ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रशिंग मेकअप है, एडवांस हेयर कट है, हेयर कट भी मैं फेस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इस तरीके से हेयर कट्स देती हूँ, एंड हेयर स्पा देती हूँ, बॉडी स्पा देती हूँ, सब है। अच्छा, अभी आपने बोला एडवांस हेयर कट, ये क्या है एग्जैक्टली? एडवांस हेयर कट के जो लेटेस्ट हेयर कट आजकल चल रहे हैं वही वाले हम लोग देते हैं, जैसे एज की है, बालों की जैसे ग्रोथ है, हम लोग उसके हिसाब से हेयर कट देते हैं उन लोगों को, और वैसे ही हेयर स्टाइल भी उन लोगों को बना के देते हैं हम लोग, एडवांस जितने भी हैं। तो अभी आप ये बताइए कि आप जो मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो किस ब्रांड के होते हैं? हमारे अच्छे ब्रांडेड होते हैं, जैसे हेयर्स के लिए हम लोग लॉरियल, मैट्रिक्स और सारे जो देते हैं, मैट्रिक्स के देते हैं, लॉरियल के देते हैं, यही देते हैं हम लोग, और फेशियल्स के जो हम लोग देते हैं वो सारे ब्रांडेड होते हैं हमारे सारा। चलिए इंदू गैरेजी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ब्यूटिशियन जैसे कलाकार या एक आर्टिस्ट या पत्रकार होता है, वो एक बायबिल्ट होता है, मतलब इनबिल्ट पैदा होता है, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, क्या ब्यूटिशियन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, या एनीबडी कैन बी ब्यूटिशियन? नहीं, ब्यूटिशियन के लिए भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, आप वो वर्क कर सकते हो तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ जी, तो पिछले 25 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो 25 साल में क्या बदलाव नज़र आया आपको? बहुत सारा चेंज आया, जो हमने 25 साल पहले करा था वो अब छूट गया, अब नया एडवांस हम लोगों को, हम लोग रिन्यू करते हैं अपने आप को, सीखते हैं नई चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को हम आगे मार्केट में भी लाते हैं। कोई एक चीज़ जो पुराने, चलिए पुराने फेशियल की बात करूँगा, अब से 20 साल पहले फेशियल की क्या टेक्निक थी? नहीं, 20 साल फेशियल की भी यही है, लेकिन अब मशीनों से ज़्यादा फेशियल्स होते हैं, क्योंकि हमें स्किन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, तो उसमें मशीनें की ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रासोनिक है, गलवानिक है,
और ओजोन वगैरह के ट्रीटमेंट देते हैं जिससे पिंपल्स का भी गारंटी से ट्रीटमेंट रहता है। ये जो टेक्नोलॉजी इसमें इसकी वजह से आप में बदलाव आया है, तो अब इस बदलाव से आपके व्यवसाय पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, हम लोगों ने सीखा, हम लोग नया सामान लेके आए, लोगों को दिया, लोगों को पसंद आया, लोग करवाना चाहते हैं, आते भी हैं करवाने के लिए। तो कोई खास आपकी, जैसे आपका पार्लर है तो कोई खास चीज क्या है यहाँ पे जो जिसके लिए स्पेशल लोग आते हैं, कटिंग है या फेशियल है, किस चीज के लिए कस्टमर ज्यादा आपके पास? मेरे पास हर चीज़ के लिए आते हैं, फेशियल्स के ज़्यादा आते हैं, मेकअप के लिए ज़्यादा आते हैं। मतलब बेसिकली आपका पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है मान लिया, लेकिन हर एक चीज़ की एक खास बात चीज़ होती है कि हाँ यहाँ की ये चीज़ ज़्यादा फेमस है, तो आपका ऐसे आपके पार्लर की ऐसी खास बात क्या है? मेरे पास फेशियल्स का ज़्यादा है, हाँ फेशियल्स का, लोगों को रिलैक्स मिलता है तो बार बार चाहते हैं कि हम कराएं और उनको अच्छा फीलिंग होती है, तो वो हम पूरी सुविधा देते हैं उन लोगों को। अच्छा, इसके अलावा और क्या शौक है आपके इस पार्लर के अलावा? पार्लर के अलावा मेरा सिंगिंग का है, पर गाती नहीं हूँ, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, और लड़कियों को सिखाती हूँ मैं, ट्रेनिंग भी देती हूँ मैं, कम से कम आज तक 500 लोगों को मैं अपना प्रोफेशनल उनका पार्लर खुलवा के दिया है। मेरठ में या मेरठ से बाहर? नहीं, मेरठ से बाहर भी एंड आउट ऑफ इंडिया भी मैंने कराया। आपके पार्लर का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सौंदर्य निखार हर्बल ब्यूटी पार्लर। सौंदर्य निखार हर्बल ब्यूटी पार्लर, तो हर्बल चीजें इस्तेमाल करती हैं आप? जी 100% या कुछ प्रतिशत उसमें मिलावट भी होती है? मतलब नहीं 100% होती है, आयुर्वेदिक देती हूँ ट्रीटमेंट मैं ज्यादातर। वेल दोस्तों, खास मुलाकात में आज बस इतना ही। आज थी मेरे साथ इंदु गैरे जी, मेरठ की जाने में ब्यूटीशियन। कल मैं नवेद खान एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करूंगा खास मुलाकात में। जब तक टेक केयर, गुड बाय, बट डोंट ब्रेक हार्ट।